नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं लेटेक सॉफ्टवेयर को। लेटेक एक एडिटर है जिसमें कई सारे कमांड्स होते हैं, और उस कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रेजेंट और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेटेक सॉफ्टवेयर और एडिटर का यूज़ हम पीएचडी थेसिस राइटिंग के लिए कर सकते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए कर सकते हैं, रिज्यूमे सीवी राइटिंग के लिए कर सकते हैं। बुक राइटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कमांड्स होंगे, आपको अगर सीखना है तो ऑनलाइन भी कई सारे आपको टूल्स अवेलेबल होंगे, तो वैसे ही एक टूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसे सीखने के लिए। लेटेक को सीखने के लिए हम एक ऐसे ही ऑनलाइन टूल का यूज़ करने वाले हैं, नाम है उसका ओवरलीप, जो आपको लेटेक में वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो आप कंटेंट को लिख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे पब्लिश करा सकते हैं, और जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है लेटेक में उसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हर वक्त उस कमांड को कंपाइल कराएगा। तो इस एडिटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ओवरलीप का वेबसाइट है जो लेटेक एडिटर आपको प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो आपको इस पे रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और या रजिस्टर किया है तो लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड होना ज़रूरी है। रजिस्टर यूजिंग योर ईमेल, ईमेल से भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर यूजिंग गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं, और कोड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी पहले से ही है तो आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से इस टेक्स्ट में आप ईमेल आईडी को लिख सकते हैं, वहाँ पे पासवर्ड भी, आप जो पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं वो पासवर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी एंटर किया होगा वो ईमेल आईडी वहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट तो ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम अगर आप देना चाहते हो तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, प्रोजेक्ट फर्स्ट क्लिक। तो सोने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक एडिटर सामने आ जाता है। ये सोर्स कंटेंट है, और यहाँ और कंपाइल करने के बाद इस टाइप में आपको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है ये सारे कमांड्स है लेटेक के, तो इस कमांड का यूज़ हम करने वाले हैं। इन तीनों सेक्शन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट साइज और कमांड साइज में इस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अभी जो डॉक्यूमेंट राइटिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि किस कमांड को कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था उसका नाम यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे टाइटल जो दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट यहाँ पे है। जो ईमेल आईडी हमने रजिस्टर किया था इट मीन्स ऑथर का नाम यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, और डे इस तरह से डेट अगर देखेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे है एक सैंपल के तौर पर। तो सबसे पहले हम इन कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस कमांड को यूज़ कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट अपॉन यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ से मैं इन्हें हटा देता हूँ। इस सेक्शन को भी अगर हम देखेंगे इसे हटा देते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लेटेक का। तो कोई भी आपको आर्टिकल क्रिएट करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो पहले तो आप डॉक्यूमेंट क्लास और उसमें आर्टिकल ऐसा लिखेंगे यहाँ पे स्लैश बिगेन, यानी डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट करते हैं और एंड डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो इन तीन लाइन को पहले लिखेंगे, उसके बाद में बाकी लाइन्स को आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं। डॉक्यूमेंट क्लास यहाँ पे 12 PT दिया है, मतलब फॉन्ट साइज 12 रख सकते हैं। और सेकंड है यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास 12 PT कॉमा दिया हुआ है, और ये पेपर फॉर्मेट है कि किस साइज में आप पेपर को रख सकते हैं, A4 पेपर रख सकते हैं, लेटर पेपर रख सकते हैं। तो थर्ड कमांड है सेम वैसे ही, यहाँ पे टू साइड में अगर आपको प्रिंट करना है पेजेस को तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है 12 PT कॉमा लेटर कॉमा टू साइड, और फिर बाद में यहाँ पे आर्टिकल जैसे कि वैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ कमांड अगर हम देखेंगे कि एक ही पेपर में टू कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो खाली यहाँ पे टू कॉलम्स आप लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टू कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कमांड्स को लेकर ही कंपाइल करेंगे तो इस टाइप का ये एरर शो करेगा।
अभी यहाँ पे हम कोई कंटेंट ऐड करते हैं, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट से मैं कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ से हमने वर्ड डॉक्यूमेंट से कोई कंटेंट लेना है, एक पैराग्राफ कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस बिगेन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में यहाँ पे पेस्ट कराते हैं। अभी ये पेस्ट होने के बाद आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करते ही वो वहाँ ये इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास के फर्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट कमांड में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 12 PT इस तरह से लिखा गया था, और जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट जो है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो। कंपाइल करने के बाद उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी ऐसे ही दूसरे कमांड के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास का जो कमांड है, यहाँ पे कॉमा देने के बाद लेटर पेपर, तो ये ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है, अगर राइट क्लिक करेंगे तो लेटर पेपर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ एरर शो करता है, अगर एरर नहीं है तो ये करेक्ट है, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम A4 करें, A4 पेज जो भी है कंपाइल करते हैं, अगर ये गलत है कमांड, मतलब जो भी आपने एट्रीब्यूट लिखा है ये गलत है, तो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ से क्लिक करके हम लॉग डिटेल्स देख सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे लेटेक वार्निंग दिया हुआ है, अनयूज ग्लोबल ऑप्शंस A4, इस तरह से आप लिख नहीं सकते, मतलब ये करेक्ट कमांड नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेटर पेपर। डॉक्यूमेंट क्लास में ही और दूसरा कमांड अगर हम यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट है 12 PTSE, एक एट्रीब्यूट है, कॉमा देने के बाद ये एट्रीब्यूट को सेपरेट करता है। अगर ये डॉक्यूमेंट मैं 2 सेक्शंस में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे और कंटेंट इसमें ऐड करना होगा, ताकि आपको इसके इफेक्ट समझ में आएगा, तो हम कुछ और कंटेंट इसमें ऐड करते हैं। यहाँ से फिर थोड़ा और कंटेंट इसमें ऐड करेंगे, एटलीस्ट 1 पेज, और यहाँ पे इसे पेस्ट कराते हैं। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये 2 सेक्शंस में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे हटा दीजिए, या फिर इसके साथ भी रख सकते हैं। यहाँ पे टू कॉलम और कंपाइल कीजिए इसे, तो ये ऑटोमेटिकली, आपको कोई भी सेटिंग करने की, दूसरी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करा लेगा और 2 कॉलम में इसे प्रिंट कराएगा, मतलब पेज के ऊपर आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक कमांड है इसका टू साइड्स, हम यहाँ पे कॉमा देके टू साइड्स भी लिख सकते हैं। अगर इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि इस तरह से लिखना है, कंपाइल। अगर कोई एरर नहीं तो कमांड करेक्ट है। अब ये टू साइड्स में पेज को बोथ साइड्स प्रिंट करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो और कंटेंट हम इसमें ऐड करते हैं, ताकि टू साइड्स में ये इसका इफेक्ट दिखाई देगा आपको। अभी ये सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शन में अगर आप देखेंगे पेज अलाइनमेंट में तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये टू साइड्स में प्रिंट कर रहा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, टू साइड्स में इस तरह से पेज अलाइनमेंट अपोजिट साइड में होता है, तो इस तरह से ये प्रिंट करेगा। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट क्लास के बारे में देखा है, एक कमांड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है लेटेक्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लास, मतलब पूरा कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसके लिए हम इसे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। देखेंगे कि टाइटल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लेटेक्स में, और ऑथर नेम, और यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है वो कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो
यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो टाइटल कमांड्स में ये टाइटल लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो ऑथर इस तरह से लिखते हैं स्लैश ऑथर और ऑथर का नेम, और जो करंट डेट है वो करंट डेट को इस तरह से हम स्लैश टुडे इस तरह से लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको ओवरलिप में कैसे इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके पहले सेशन में हमने देखा था डॉक्यूमेंट क्लास को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन में यहाँ पे अगर आप टाइटल देना चाहते हैं इस जो भी कंटेंट है इसका, जो टाइटल रहेगा, ऑथर नेम और डेट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये वो वर्ड फाइल है जिसमें इसका टाइटल मौजूद है, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे ओवरलिप में यहाँ पे वो जो कमांड आपने देखा था स्लैश टाइटल, जैसे मैं टाइटल टाइप करूंगा तो यहाँ पे टाइटल नाम का कमांड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और जो हमने कंटेंट कॉपी किया था टाइटल का वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करके यहाँ पे देख सकता हूँ, कंपाइल करने के बाद अगर हम देखेंगे तो टाइटल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके लिए ये टाइटल आपको इस डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो स्लैश मेक टाइटल कमांड ऐड करना होगा आपको, स्लैश मेक टाइटल इस तरह से लिखना होगा। कंपाइल अगर करेंगे तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑथर टाइप करेंगे, ऑथर टाइप करने के बाद यहाँ से ये स्क्वेयर ब्रैकेट हटा दीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली ऑथर नेम इस तरह से। अब इसे अगर कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा, यहाँ पे एक एरर शो हो रहा था इससे पहले वो भी हट जाएगा और जो डे है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस डेट को अगर हट करना है, मॉडिफिकेशन करना है इस डेट के साथ, तो आप जिस डेट को चाहते हैं वो आप जो डेट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्लैश डेट इस तरह से दिया है ऑब्लिक, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट अलग करता हूँ इसका 21 इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो कोई भी डेट उसमें लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट चेंज हो गया, मतलब आप इस तरह से इसे डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद ये बिगेन डॉक्यूमेंट से पहले ही आप लिखेंगे, यानी डॉक्यूमेंट क्लास में ये लिख सकते हैं, खाली स्लैश मेक टाइटल आप यहाँ पे यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पे आप ये जो सेक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, मैं डॉक्यूमेंट में आने के बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में इस तरह से दिख रहा है, आप आसानी से ये डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। पैराग्राफ आपको यहाँ पे डबल अप नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करता हूँ। कंपाइल किया तो ये पैराग्राफ शो हो जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में आपको वन लाइन स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर कंपाइल करते हैं तो ये वन लाइन शो करेगा, लेकिन आप टू लाइन थ्री लाइन का स्पेस यहाँ पे देते हैं, टू लाइन थ्री लाइन का स्पेस देते हैं तो सिंगल लाइन का ही स्पेस यहाँ पे लेगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है सेक्शन का, तो यहाँ से इससे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सेक्शन में वो दिखाई दे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लैश सेक्शन और इंटर, यहाँ पे ओपन करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास में ये लिखेंगे पूरा, और इसे कंपाइल करते हैं तो एक सेक्शन की तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर भी आ गया है जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, यहाँ पे जो डॉक डॉक्यूमेंट है उसमें नहीं है, तो हम इस सेक्शन को यहाँ से नंबर को किस तरह से हटा सकते हैं, तो अननंबर सेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे एरर शो भी कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे, यहाँ पे पहले स्टार लगा देंगे तो एरर भी यहाँ से हट जाएगा। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आपको ये शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरह से। तो हम कई सारे सेक्शंस यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये को पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड दिया हुआ है बटन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे
ये यहाँ पे फर्स्ट डॉट पी डी एफ फाइल दिखाई दे रहा है सेव, अगर आप करेंगे इसे या ओपन विथ फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसमें देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। इस तरह से पी डी एफ फॉर्म में दिखेगा आपको। तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट का टाइटल पार्ट, ऑथर सेक्शन, डेट और जो सेक्शन है प्रॉपर उसका सब हेडिंग जिसे हम कहेंगे वो डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। सब हेडिंग में सब 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 हेडिंग भी हम डिज़ाइन, एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे लेटेक्स में तो वो देखते हैं। यहाँ पे वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे पूरा इम्प्लीमेंट करना है विद यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं और कुछ सब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लिस्ट है, इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और यहाँ पे सब लिस्ट यहाँ पे है, ये एज इट इज डॉक्यूमेंट हम और लिस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल जो दे रखा है चैप्टर से हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि टाइटल को लिखा कैसे जाता है। टाइटल, और टाइटल में जो टाइटल दिया गया है मैं एज इट इज उसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आपको टाइटल शो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने बताया था कि आप स्लैश मेक टाइटल लिखेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है तो वो शो हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल शो हो गया लेकिन ये डेट के साथ शो हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि डेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराना है तो आप डेट को खाली लिख दीजिए डेट EMT और फिर से इसे कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई डेट नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, ये सब हेडिंग जो दे रखा है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे बिगेन डॉक्यूमेंट के बीच में आपको लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन के बीच में इसे पेस्ट कराते हैं। ये यहाँ पे वन जो नंबर है वो उसके साथ आ जाएगा सेक्शन ऑटोमेटिकली, लेकिन डॉक्यूमेंट में जिस तरह से है आप अगर चाहते कि ये 2.1 कैसे लिखा जाएगा, आपको खाली सेक्शन जो लिखा हुआ है उसमें स्टार लगाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 2.1। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट को चाहते हैं उस तरह से वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को हम एज इट इज कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं और पहले तो पेस्ट कर लेंगे फिर बाद में उसे डिज़ाइन करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पैराग्राफ शो हो रहा है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ शो नहीं हो रहा है जब हमने इसे कंपाइल किया तो ये इस तरह से दिखा रहा है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डबल स्लैश, मैंने जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि डबल स्लैश लिखेंगे तो ये पैराग्राफ में शो करा देगा। आप इसी कंटेंट को इस तरह से देखना चाहते हैं और इंटर करेंगे यहाँ पे तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखा देगा। लेकिन इसे प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे ये डबल स्लैश निकाल देता हूँ, कंपाइल करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट था उस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ आ गया, इंटर करेंगे यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास जो है यहाँ से यहाँ तक, क्लोजिंग कर्ली ब्रास यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे नज़र आएगा दोनों सेंटेंस में। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर देखेंगे तो ये बोल्ड हो गया है। सेकंड जो पैराग्राफ है उसके लिए भी सेम आप पैराग्राफ बना लीजिए। पैराग्राफ यहाँ से ओपनिंग कर्ली ब्रास है, यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रास, कंपाइल। तो ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ फॉर्म में शो करा देगा। डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट कंटेंट जो है सब, ये दूसरा सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन है। तो एज इट इज़ हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इस सेक्शन को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो देखेंगे। मैं थोड़ा स्पेस इंटर करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये जो है इसे सेक्शन में डिज़ाइन करेंगे, सेक्शन ओके, और
यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसको सेक्शन में ले लीजिए, ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास में, और यहाँ पे स्टार दे देते ताकि वो 2.2 शो करे वहाँ पे स्क्रीन, 2.2 शो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो लिस्ट है, लिस्ट इस फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है। इस लिस्ट को अगर हम लिस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि लिस्ट फॉर्म में, लिस्ट फॉर्मेट में 1, 2, 3, 4 दे रखा है, ऐसे ही अगर आप इसे डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे आप स्लैश बिगेन, अभी यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा, बिगेन बिगेन इनुमरेट अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आइटम शो करेगा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक का इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर से इंटर करेंगे स्लैश आइटम सेकंड और इसे कंपाइल करेंगे, तो ये टू पॉइंट्स जो है 1, 2 इस तरह से शो कर रहा है, और बाकी जो हमने देखा था ये पूरा एज इट इज जैसे कि वैसे यहाँ पे है। तो मैं इन्हें सारे पॉइंट्स को इस तरह से लिख लेता हूँ, आइटम उसके बाद स्लैश आइटम, यहां से इसे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट पेस्ट, ओके। अब कंपाइल करेंगे तो यहां पे जो पॉइंट्स थे वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो इस तरह से दिखाएगा आपको। नेक्स्ट इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेम सेक्शंस आएगा, अभी यहाँ पे अगर हम इसे पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट, फिर आपको यहाँ पे सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा सेक्शन, और ये जो पार्ट है 2.3 वाला यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखा है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। अभी यहाँ पे स्लैश बिगेन इनुमरेट, ओके, और इस आइटम को यहाँ से यहाँ पे उठा लिया, सेम वैसे ही स्लैश आइटम और इसे हटा दिया, तो ये पॉइंट्स आ गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब यहाँ पे आप स्टार लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट वहाँ से हट जाएगा, ओके। इस तरह से ये दिखाई देगा, यानी 2.1, 2.2, 2.3। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंट लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हटा दीजिए यहाँ से स्टार, स्टार हटाने के बाद यहाँ से ये पॉइंट भी मैं हटा देता हूँ। अगर इस सेक्शन को कंपाइल करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट यहाँ पे शो करा देगा ऑटोमेटिकली, सेक्शन फर्स्ट। अभी सेक्शन सेकंड में अगर जाते हैं तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, और सेक्शन 3 में भी ये पॉइंट हटा देते हैं, कंपाइल, तो वो अपने आप ही ये पॉइंट्स को ले लेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इस तरह से ये शो कराएगा। अभी यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन है और उसके बीच में कुछ सब सेक्शंस हैं, तो ये भी किस तरह से हम लिखेंगे देखेंगे। यहाँ से मैं सेक्शन और सब सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। अभी ये 2.4 मतलब सेक्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश सेक्शन ये सेक्शन ओपन और लास्ट में क्लोजिंग। अभी ये जो पार्ट है इसे हटाते हैं, स्लैश सब सेक्शन इस तरह से देते, ओपनिंग कर्ली ब्रास और यहां पे ये क्लोजिंग कर्ली ब्रास, इसे कंपाइल करेंगे तो यहां पे ये पॉइंट ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 4 और उसके बीच में 4.1 ये सेक्शन यहां पे आ गया, मतलब इस पार्ट का ये सब सेक्शन है, हम इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। बाकी सेक्शन को भी हम सब सेक्शन को भी इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से सारा सब सेक्शन जो है मैंने कॉपी कर लिया डॉक्यूमेंट से, यहाँ पे हम उसे पेस्ट करा देंगे, इंटर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये है सब सेक्शन, तो स्लैश
स्लैश सब सेक्शन, यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ तक का ये क्लोजिंग, ओके। और सेम ऐसे ही स्लैश सब सेक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रेस दिया, सेम यहाँ पे भी इसे क्लोज किया। इसी तरह से हमने फोर्थ नंबर को भी अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो बाकी नंबरिंग जो है सब सेक्शन का ये ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 है तो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो अभी यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ बुक में कैसे रहेगा ये सेक्शन, ये देखेंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट क्लास में बुक लिख दिया है, तो बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक का जो टाइटल है इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद में सब सेक्शन 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पे भी ये इस तरह से 0.1, इट मीन्स 0.4.1 इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेपर, अगर पेपर की बात करें तो पेपर में इस तरह से दिखाएगा, यानी जो टाइटल है इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे ये पॉइंट्स इस तरह से देंगे, और ये एक्स्ट्रा का लाइन जो है यहाँ पे ये दिखाई देगा कि हर एक पेपर पे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से दिखाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ आर्टिकल, और कंपाइल करेंगे तो जैसे हमने पहले डिज़ाइन किया था वो फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आइटम लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, उसमें सब आइटम लिस्ट किस तरह से होगी। जैसे यहाँ पे उसे न्यूमेरिक फॉर्म हमने इस सेशन में देखा है कि नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली जो कैरेक्टर्स यहाँ पे है ए बी, यानी सब आइटम जो है, और उसके सब आइटम प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, और आपको जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब भी हम लेटेक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल फॉर्म रहेगा वहाँ पे, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था। अभी हम इसे रिकम्पाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इस तरह का एरर शो करेगा क्योंकि कोई कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लिस्ट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं ये तो लास्ट सेशन में हमने देखा था, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। हमने यहाँ पे यूज़ किया था सबसे पहले बिगेन, हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एटम साइज़ है, तो एटम साइज़ पे अगर हम क्लिक करते तो एटम यहाँ पे दिखाई देता है। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे बुलेट फॉर्म में ये आ जाएगा, इसे हम जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करा के रखता हूँ इसे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड आइटम अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ स्लैश स्लैश आइटम इस तरह से कर सकते हैं। ये एक लिस्ट दिखा देगा आपको कि क्या किस टाइप का कमांड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड जब मैं कंपाइल करता हूं तो ये इस तरह से बुलेट फॉर्म में दिखा देगा, लेकिन यहां पे अगर ये नंबर फॉर्म में चाहिए आपको तो कमांड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे लिखा था, मैं थोड़ा नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। बिगेन, अब इसे डाउन एरो से यहाँ इनुमरेट जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था सेम वैसे ही, अब यहाँ पे बिगेन इनुमरेट है और क्लोजिंग है एंड इनुमरेट है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट और यहाँ पे स्लैश एटम सेकंड और इसे कंपाइल करेंगे, यहाँ पे बुलेट फॉर्म है और यहाँ पे नंबर फॉर्म है, लेकिन लिस्ट विद इन लिस्ट, एक लिस्ट में दूसरा लिस्ट अगर आप चाहते हैं जैसे पहले अपने स्क्रीन पे देखा था वैसे ही अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। इस सेकंड के बाद मैं अगर इंटर करता हूँ और इसमें स्लैश बिगेन
इस तरह से लिखता हूँ, तो आप किस फॉर्म में, नंबर फॉर्म में लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सेम वैसे ही इनुमरेट कर दीजिए इसको। और यहाँ पे सब फर्स्ट इस तरह से, और कंपाइल कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर हम इसे स्लैश एटम सब सेकंड इस तरह से करते हैं और कंपाइल करते हैं, तो ये वो लिस्ट दिखा देगा, मतलब कैरेक्टर फॉर्म में जो भी सब आइटम है। अब यहाँ पे इसके बाद सेकंड के बाद टू सब आइटम्स हो गए, अभी थर्ड आइटम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने देखा यहाँ पे बिगेन फर्स्ट इन्यूमरेट है और उसका क्लोजिंग है, तो थर्ड आइटम जो आएगा इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे स्लैश आइटम और यहाँ पे कंपाइल। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड के बाद टू सब सेक्शंस हैं और यहाँ पे थर्ड है, लेकिन आप चाहते हैं कि सेक्शन सब आइटम जो यहाँ पे हमने देखा है उसके बीच में भी आप कोई नंबर्स यूज़ करना चाहते हैं, उसके बीच में भी सब पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सब फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आइटम फर्स्ट लिखा हुआ है सब फर्स्ट, यहाँ पे आप सेम वैसे ही स्लैश बिगेन और इनुमरेट इस तरह से टाइप करेंगे। और यहाँ पे सब सब फर्स्ट ओके, अब इसे कंपाइल करते हैं। तो ये रोमन नंबर में यहाँ पे दिखा रहा है, रोमन नंबर यानी ये फर्स्ट जो इन्यूमरेशन है नंबर में यहाँ पे जा, फिर उसके बाद कैरेक्टर में आएगा, फिर थर्ड स्टेज में वो जो रोमन नंबर है उसमें दिखाएगा लेटेक्स में। तो आप ये बुलेट फॉर्म है जो इसके बीच में हम अगर सेम ऐसे ही लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सेक्शन हमने बनाया था, अब मैं इस सेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिगेन एटम साइज है, उसके बाद यहाँ पे एटम फर्स्ट हमने क्रिएट किया था, अब इसे हम कंपाइल कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे आपको ये दो ही एटम दिखाई दे। ओके, अब इसके बीच में आपको एटम बनाना है या तो बिगेन लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एटम साइज लिखता हूँ और यहाँ पे सब फर्स्ट इस तरह से लिखा, सब फर्स्ट लिखने के बाद आप देखेंगे कंपाइल करने के बाद कि यहाँ पे डैश आ गया है, इसका मतलब इसके बाद जो ऑप्शन आएगा इस तरह से आएगा। उसके इसके बाद भी और कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से मैं यहाँ पे स्लैश अगेन बिगेन, यहाँ पे एटम साइज और यहाँ पे सब सब फर्स्ट कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके बाद ये सीक्वेंस रहेगा इसमें, यानी फर्स्ट बुलेट है, फिर डैश है, फिर स्टार है, तो लेटेक में ये एक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इनुमरेट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये जो आइटम है फिर एरर शो कराएगा, तो हम इसे यहाँ से हटाते हैं। ये फर्स्ट जो था इस यहाँ से हटा दिया, इस एटम को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और ये एटम साइज मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों और इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, मतलब इस एटम साइज की कोई ज़रूरत नहीं, इसे हटा दिया तो एरर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, इसका सीक्वेंस आपको ख्याल में रखना होगा। इसके लिए कमेंट लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परसेंटेज आप यूज़ करेंगे परसेंटेज, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे एंड फर्स्ट, ये डैश का मतलब मैं जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बना रहा हूँ एंड फर्स्ट, तो इससे पता चलेगा आपको यहाँ पे कि ये फर्स्ट का ओपनिंग और यहाँ पे ये क्लोजिंग है। फिर उसके बाद में हमने आइटम लिखा था,
और इसे अगर हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बुलेट है, उसके बाद में वन, ये इस तरह से दे रहा है। तो इसमें हम कई सारे एटम्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये ऑटोमेटिकली नंबर प्रोवाइड करा देगा, इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट है, नंबर है, और फिर उसके बीच में आपको कैरेक्टर्स में सब एटम क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम देते हैं तो स्लैश बिगेन, उसके बाद इनुमरेट, और यहाँ पे सब सब फर्स्ट इस तरह से लिखता हूँ ताकि आप इसे मॉडिफाई करें। और मैं यहाँ पे कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे, बुलेट है, नंबर्स है, और फिर कैरेक्टर फॉर्म में आ गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार मार्क हो, यानी पॉइंट्स को आप स्टार दें, तो ये एटम साइज हो जाएगा यहाँ पे एटम साइज। ये जो इन्यूमरेट है इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब देखेंगे आप कोई एरर शो नहीं कर रहा है। अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद आपको यहाँ पे डैश नज़र आएगा। अगर मैं उसके बीच में सब मार्क्स, यानी देखिए इसका सीक्वेंस, यहाँ पे हमने इनुमरेट यूज़ किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा था तो यहाँ पे डैश था। तो उसके बाद यानी सब एटम्स, यानी एटम जो फर्स्ट रहेगा वो बुलेट, और उसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे वो डैश फॉर्म में ही आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्टार फॉर्म में ही आए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे किस कमांड का यूज़ करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारी डिमांड के हिसाब से इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो उसे सिंबल कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आर्टिकल जो दिया हुआ है और बिगिन डॉक्यूमेंट जो है उसके पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैकेज, यूज़ पैकेज, और उसके बीच में आप यहाँ पे कई सारे पैकेज दिए होते हैं, उसमें से जो सिंबल यूज़ करने वाले मैथमेटिकल सिंबल, तो यहाँ कॉल कर लिया। अभी मैथमेटिकल सिंबल्स को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यानी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, सो बुलेट है, वन, उसके बाद डैश, डैश की जगह हमें स्टार चाहिए होगा, अस्तरिस्क जिसे कहेंगे हम मैथमेटिकल सिंबल्स में, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। अभी वो सिंबल को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर, हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद में हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन। डॉलर साइन के बाद यहाँ पे इसके बीच में, डॉलर साइन के बीच में हम जो स्टार है उसे लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद आपको ये स्टार नज़र आएगा। इसके बाद जो एटम लिस्ट आएगा वो किस तरह से आपको दिखाएगा, एटम यहाँ पे सब सेकंड, अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो डैश ही वहाँ पे शो करेगा, जो सीक्वेंस है उसका उस सीक्वेंस में ही फॉर्म करेगा, यानी लेवल फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ये जो है लेवल सेकंड, और लास्ट वाला जो लेवल है उसका स्टार, इस तरह से वो डिस्प्ले कराता है। लेकिन हमने अगर सेकंड आइटम को भी उस तरह से यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो डॉलर साइन, उसके बाद यहाँ पे स्टार, और कंपाइल करेंगे। इसके अलावा भी आप कोई मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर है, उसके अलावा और कई सारे सिंबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर। स्लैश लिखा, यहाँ पे हमने टाइप किया स्क्वायर, कंपाइल करते हैं, स्टार की जगह स्क्वायर सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे स्टार स्क्वायर आ गया, तो इस सिंबल को यहाँ से हम हटा देते हैं और कंपाइल करते हैं, तो ये इस फॉर्म में आएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर की जगह ब्लैक स्क्वायर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्लैक स्क्वायर, ये कमांड है, तो हम इस कमांड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हटा देते हैं। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आपको ये स्क्वायर का ब्लैक स्क्वायर नज़र आएगा। इस तरह से कई सारे सिंबल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो कमांड्स है रिलेटेड टू एटम लिस्ट वो सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप
उसे यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। में हम देखेंगे रिसर्च पेपर को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं लेटेक में। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल में लेटेक में यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइटल, उसके बाद ऑथर नेम, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे सेक्शंस, इमेजेस, इमेजेस का लेबल, उसके बाद रेफरेंस, ये रेफरेंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक रिसर्च पेपर जो IEEE फॉर्मेट में है। यहाँ पे इस रिसर्च पेपर को बनाया गया है लेटेक में। अभी इस रिसर्च पेपर का फॉर्मेट लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम किसी भी फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेटेक में किस किस कमांड का यूज किया जाता है रिसर्च पेपर को बनाने के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। वापस से यहाँ पे हम ओवरलिप में आते हैं और ये जो बेसिक फॉर्मेट है ओवरलिप का, जब भी आप नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते लिखना तो इस तरह से होना चाहिए /document class, और यहाँ पे जो भी फॉन्ट साइज आप रखना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में 12 pts आर्टिकल, उसके बाद /begin, ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लोज कराने के लिए। मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर शो कराएगा क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो अभी जो एक्चुअल वर्ड फाइल में रिसर्च पेपर का सैम्पल है वो हम देखते हैं। ये वो सैंपल है। अभी यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे टाइटल से। टाइटल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये आप लोगों को पता है, मैंने सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इन बिटवीन डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे /title और इसके बीच में इसे पेस्ट करा देंगे। पेस्ट करने के बाद जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद ये शो नहीं करता क्योंकि आपको यहाँ पे इस टाइटल को कॉल करना होता है। यहाँ पे एक कमांड है मेक टाइटल, आप यहाँ पे इसे लिखेंगे और जैसे ही लिखने के बाद कंपाइल करते हैं तो टाइटल ये शो करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि डेट ये शो करता है तो हम किसी भी रिसर्च पेपर में डेट को यहाँ पे नहीं लिखते इस तरह से। तो डेट को यहाँ से हटाने के लिए आप टाइटल के एग्जैक्ट बाद लिख सकते हैं /date और ये ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास को ऐसा ही छोड़ दीजिए, कंपाइल कीजिए। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते वक्त। अभी जो फॉर्मेट है उसके यहाँ पे जो ऑथर नेम है, रिसर्च पेपर में ऑथर नेम हम लिखते हैं तो यहाँ पे /author आप लिखेंगे। इतना सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑथर नेम है तो ऑथर /author एक कमांड है, आप वहाँ पे ऑथर टाइप कर दीजिए, कंपाइल कीजिए, ऑथर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिगेन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट के बीच में आप बाकी कंटेंट रिसर्च पेपर का लिखेंगे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह से लिखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। बिगेन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, इसके बीच में आपको ये कंटेंट पेस्ट करना है विथ कीवर्ड। अब कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट शो करा देगा, लेकिन कीवर्ड्स साथ में ही आ गए पैराग्राफ के तो हम इसे थोड़ा यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके /double लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में शो कराएगा। इस तरह से नेक्स्ट लाइन में शो करा रहा है कीवर्ड्स। अभी हम इस तरह से इसे देख सकते हैं, इसे छोटा कर लेते हो तो स्क्रीन एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये सेक्शन है तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के लिए हम /section और इंटर करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास में पेस्ट करेंगे, कंपाइल करते हैं। आप डायरेक्टली रिसर्च पेपर यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, वर्ड फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप करेंगे और ये कंपाइल करेंगे तो आपको शो कराएगा। यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा था लेकिन उसने ऑटोमेटिकली ले लिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो कंटेंट है एज इट इज, ये थ्री पैराग्राफ्स हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे इस सेक्शन में, यहाँ पे अभी मुझे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, इंटर कराते हैं, कंपाइल कराएंगे तो एक कंबाइन पैराग्राफ में ये शो करेगा कंटेंट जो भी है। आप जहां जहां पे भी पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वहां पे /double करिए और कंपाइल करके देखिए, वह ऑटोमेटिकली शो करेगा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में है। अगर मैं इंटर करता हूँ इसमें, यहाँ पे क्लिक करके इंटर करते हैं और कंपाइल करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में शो करेगा। ओके, वैसे ही आप यहाँ पे इस लाइन में भी कर सकते हैं।
इंटर कंपाइल। ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गया। अभी अगर हम इस सैंपल रिसर्च पेपर में देखते हैं तो एक फिगर है, इस फिगर को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं वहां पे। तो इस फिगर को अगर ये वर्ड फॉर्मेट में है और इसका सोर्स आपको पता है तो उस फिगर को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यहां से अपलोड करेंगे तो वो फिगर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर उसे कॉल करना आसान रहेगा। लेकिन वर्ड फाइल में है तो इसे हम क्लिक करते हैं पेंट। यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे तो ये फिगर यहाँ पे आ गया। फिर इसे सेव करते हैं। आप जेपीजी, पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे फिगर नंबर 01 करता हूँ और पीएनजी में इसे सेव कराता हूँ डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फिर बाद में हम यहाँ से इसे अपलोड करा सकते हैं। अपलोड करने के बाद लोकेशन पूछेगा, ड्रैग हियर और सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि प्रॉपरली ये डेस्कटॉप पे आ गया या नहीं आया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमेज 01 दिखाई दे रहा है, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गया। तो याद रखना है कि जो फिगर हमने ऐड किया है वो 01 है। उसके बाद किस लोकेशन पे, यहाँ पे किस पैराग्राफ के बाद आपको कहाँ पे उसे ऐड करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे फिगर ऐड करना है तो आप लिखेंगे स्लैश बिगेन और यहाँ पे फिगर फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये रहा फिगर, इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग फिगर और यहाँ पे एंड फिगर ये शो करा रहा है। तो यहाँ पे इंक्लूड फिगर्स, इंक्लूड ग्राफिक्स है, यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स है, इसमें ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास में इस फिगर को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जैसे फिगर यफ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शो कराएगा कि कितने इमेजेस इसमें है। अभी इसके एक्सटेंशन के साथ ये आ गया। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल करने के बाद ये शो, यहाँ पे खाली फिगर का नाम शो कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एरर भी शो कर रहा है, अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास के बाद एक पैकेज ऐड करना पड़ेगा, यूज पैकेज। उसमें रहेगा ग्राफिक्स, क्योंकि आप ग्राफिक्स का यूज करने वाले हैं लेटेक में। यहाँ पे इंटर करते तो ग्राफिक्स आ जाएगा, और जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पे शो हो गया। अभी कैप्शन यहाँ पे आपको लिखना है। फिगर वन तो अपने आप वहां पे आ गया, क्योंकि रिसर्च पेपर में जितने फिगर्स होंगे उसके सीक्वेंस में नंबर देगा। क्योंकि ये फर्स्ट फिगर है इसलिए फर्स्ट फिगर यहाँ पे दिया। आपको कैप्शन ऐड करना है, जो कैप्शन उस रिसर्च पेपर में था वो कैप्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। इसे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है ताकि आपको आसानी से ये ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कैप्शन लिखना है। और यहाँ पे ये वन हटा दिया। फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इस फिगर का कैप्शन आ गया है। अभी आपको ये रिसर्च पेपर अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना है, जैसे कि IEEE का फॉर्मेट होता है, स्प्रिंजर का फॉर्मेट है, एल्सवेयर का फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे उस फॉर्मेट में, पर्टिकुलर रिसर्च जर्नल के फॉर्मेट में अगर आपको बनाना है तो किस तरह से आप बनाएंगे। तो हम इसमें अगर IEEE का फॉर्मेट ढूंढेंगे लेटर के लिए किस तरह से लिखा जाता है, तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल में टाइप करेंगे IEEE लेटेक्स कमांड, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए IEEE ट्रिपली ट्रैन यहाँ पे आ गया है, तो हम ले सकते हैं। ये बिब्लियोग्राफी स्टाइल है, वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास में, जैसे मैंने बताया था कि आप आर्टिकल इसे बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जर्नल में लिखना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। जैसे मैंने IEEE ट्रैन को लिया है यहाँ पे, ये स्मॉल है TRAN और IEEE ये कैपिटल लेटर में है। कंपाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा IEEE के फॉर्मेट में। इतना ही काम आपको करना है, लेकिन अभी इसका एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो हम इस इमेज को एडजस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, इस रिसर्च पेपर में जाते हैं। बाकी सेकंड सेक्शन जो है
उसे भी यहाँ पे कॉपी करते हैं, सेकंड सेक्शन को इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पे इमेज, और फिगर के बाद हम सेक्शन को लिखेंगे स्लैश सेक्शन, और यहाँ पे पेस्ट किया, ये सेकंड को यहाँ से हटा दिया ताकि वो नंबरिंग ऑटोमेटिकली लेगा। ये सेक्शन सेकंड यहाँ पे आ गया, ये रोमन नंबर में फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ से मैंने ये तीनों सब सेक्शंस जो है उसे कॉपी किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, पहले तो इसे पेस्ट करा लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो सेक्शन है इसे कंपाइल करते हैं। ये इस तरह से दिखाएगा, अभी हम इसे यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे स्लैश सब सेक्शन लिखेंगे, आप सब सब सेक्शन भी लिख सकते हैं, सब सेक्शन लिखा है यहाँ पे, ओपनिंग कर्ली ब्रास क्लोजिंग कर्ली ब्रास के बीच में आप इस वर्ड को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये शो कराएगा। ये यहाँ पे देखिए सब सेक्शन जो IEEE का फॉर्मेट है उसमें दिखा रहा है, फिर बाकी एरिया छोड़ देंगे, यहां से फिर से इसे स्लैश सब सेक्शन ओपनिंग कर ली ब्रास, और यहाँ पे ये जो कोलन दिया हुआ है वहां पे उसे क्लोज करते हैं। थर्ड को भी हम सेम वैसे ही करें, ये सब सेक्शन दिखा रहा है IEEE फॉर्मेट में, यहाँ पे अल्फाबेटिकली मतलब ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, आपको इस सेक्शंस को कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कैरेक्टर फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ले लेगा जो IEEE फॉर्मेट होगा उस तरह से। हम इस फॉर्मेट को चेंज भी करेंगे किसी और जर्नल के फॉर्मेट, तो किसी और जर्नल को अभी ये भेजना है, ये IEEE को भेजना है, तो इस फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसे एल्सवेयर के फॉर्मेट में आपको क्रिएट करना है ये डॉक्यूमेंट, तो आपको इसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है IEEE ट्रेन एल्स आर्टिकल कंपाइल, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली एल्सवेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जैसे हमने पहले IEEE फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे IEEE ट्रान, जो भी जर्नल का फॉर्मेटिंग है आपको खाली ये वर्ड फाइंड आउट करना होगा गूगल में जाके कि हम उसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस डॉक्यूमेंट में रेफरेंस हमें ऐड करना है, यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट जो दिया गया है हमने इसमें रेफरेंस ऐड किए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक रेफरेंस ऐड किया गया यहाँ पे, तो जो फर्स्ट नंबर का रेफरेंस है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ये जो टाइटल है ये गूगल स्कॉलर में जाके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से आप उसका बिब्लियोग्राफी जो है उठा सकते हैं। तो इसमें किस तरह से ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गूगल, और यहाँ पे गूगल स्कॉलर, इंटर करेंगे, यहाँ पे गूगल स्कॉलर क्लिक करते हैं तो ये सर्च ऑप्शन गूगल स्कॉलर का दिखाएगा, जो हमने टाइटल कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर का टाइटल यहाँ पे आ गया। अगर हम फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो ये ऑथर्स नेम है और ये उसका जो रेफरेंस जर्नल्स है उसका टाइटल यहाँ पे है, कॉपी किया। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही है, यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहा है ये साइट का सिंबल है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो एक साइट यहाँ पे दिखाता है, उसमें अगर बिबटेक पे क्लिक करते हैं तो ये लेटेक के लिए है, क्लिक करने के बाद आपको इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अब इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप वापस से यहाँ पे जाएंगे जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट है वहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माई रेफरेंस, अब यहाँ पे BIB लिखना पड़ेगा, BIB मतलब बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद ये एम्प्टी फाइल रहेगा, एम्प्टी फाइल में आपको इसे पेस्ट करना है,
पेस्ट करने के बाद वर्ड फाइल में फाइंड आउट करेंगे जहां पे आपने फर्स्ट रेफरेंस दिया था। ये फर्स्ट रेफरेंस यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में यहां पे दिया हुआ है, तो वही रेफरेंस हम यहां पे जो मेन फाइल है हमारा वहां पे देंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ये है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिकली इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको रेफरेंस के लिए बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो हमने यूज किया था IEEE स्मॉल लेटर में ट्रान, उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे स्लैश बिब्लियोग्राफी और जो फाइल आपने नाम दिया है माय रेफ, यहाँ पे माय रेफरेंस जो कैपिटल लेटर में है REF, जैसा दिया है वैसे ही आप यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ था ये है फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे सेक्शन और यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आपने साइटेशन दिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SIT साइट, उसका नाम यहाँ पे दिखा देगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जब कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और रेफरेंस यहाँ पे पास हो जाएगा जो आपने दिया है फाइल में, IEEE फॉर्मेट में रेफरेंस ऐड हो जाएगा। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए रेफरेंस ऐड हो गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है। ऐसे ही सारे रेफरेंस को आप ऐड कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर में जाके वहाँ से कोड कॉपी करना है इस तरह से और यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर बाकी सारे रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर ये आप एल्सवेयर के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बिब्लियोग्राफी स्टाइल भी उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा एल्सवेयर के जैसा है, और बाकी ये फाइल तो वैसे ही रहेगा, खाली यहाँ पे बिब्लियोग्राफी स्टाइल और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट क्लास जो है आपको चेंज करना है किसी और जर्नल के फॉर्मेट में। इस तरह से हम कोई भी रिसर्च पेपर बना सकते हैं, रिसर्च पेपर को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में रिसर्च पेपर में हम टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल के लिए कुछ कमांड्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लैश बिगेन और ओपन कर्ली ब्रास टेबल और वे लिखा हुआ है, कहाँ पे आपको टेबल को सेट करना है। तो यहाँ पे आप टेबल का टाइटल लिख सकते हैं और उसके बाद एंड और ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास के बीच में टेबल लिखेंगे, और टेबल को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन में, तो स्लैश बिगेन ओपनिंग कर्ली ब्रास टेबुलर और क्लोजिंग कर्ली ब्रास, उसके बाद में यहाँ पे होगा LCR जो आप टेबल को वर्टिकल लाइंस जो है प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रास लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप टेबल का कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश एंड टेबुलर इस तरह से लिखेंगे तो ये टेबल को क्रिएट करा देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं आप, जहाँ पे मैंने ABC ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट रो में और A और B के बीच में ampersand है और B और C के बीच में भी ampersand है, उसके बाद डबल स्लैश है। तो यहाँ पे ampersand का मतलब होता है कि आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जो क्रिएट होती है उसके लिए हम स्पेस बना सकते हैं। वैसे ही हमने दूसरे रो में भी देखा है D ampersand, E ampersand, F, तो सेम वैसे ही स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपको रो क्रिएट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे सेम वही एग्जांपल लेके हमने क्रिएट किया है स्लैश बिगेन टेबुलर और क्लोजिंग कर्ली ब्रास ओपनिंग कर्ली ब्रास के बाद में LCR जो लिखा हुआ था वहां पे हमने वर्टिकल लाइंस को ऐड किया है और क्लोजिंग कर्ली ब्रास लिखा है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस AB और C के बीच में जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं यानी कॉलम्स आपको जो दिख रहे हैं वो इसके बदौलत है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन H लाइन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हमने A%B%C डबल स्लैश उसके बाद में H लाइन लिखा है, यानी ABC के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको वो उसकी बदौलत है। यहाँ पे D ampersand, E ampersand, F
डबल स्लैश हॉरिजेंटल लाइन और डी ई ई एफ के बाद जो हॉरिजेंटल लाइन है वो ये यश लाइन की बदौलत है। यानी इस तरह से हम यहाँ पे लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका टेबल यहाँ पे खत्म हो गया होगा तो स्लैश एंड टैबलर कर सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे लेटेक में किस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो रिसर्च पेपर दिया हुआ है उसमें एग्जैक्ट रेफरेंसेस के ऊपर हमें एक टेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल के लिए थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लिया जहाँ पे हमें कुछ कमांड्स लिखने हैं। तो ये कमांड्स में फर्स्ट कमांड अगर आप लिखेंगे तो स्लैश, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, स्लैश बिगेन, ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास, यहाँ पे हम ले सकते हैं सेंटर और यहाँ पे एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर का स्पेलिंग करेक्ट लिख ले तो वैसे ही ये एंड सेंटर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी ऑप्शन लिखना चाहते हैं जैसे कि टेबल, तो यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया है। जो भी आप टेबल का टाइटल देना चाहते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद टेबल का टाइटल यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में स्लैश स्लैश बिगेन और यहाँ पे टैबुलर जो इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऐड कर लेगा एल सी आर, ये इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जब भी आप एल सी आर लिखेंगे तो ये एम परसेंट आ चुका है पहले से। तो पहले हम यहाँ पे एम परसेंट मतलब ए बी सी इस तरह से लिखेंगे और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है ए बी सी वो शो कर रहा है। अभी इसमें अगर आप एम परसेंट ऐड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम परसेंट लिखा हुआ है तो एम परसेंट यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको ये स्पेस दिखाएगा, इसके बीच में तीनों कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ गया है। अगर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जैसे कि डी एम परसेंट ई एम परसेंट यब लिखेंगे और इसे कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे तीन कैरेक्टर को और ऐड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक आप कमिट कर रहे हैं, जैसे कि ए बी सी और आपने लिखा तो नेक्स्ट लाइन में है लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। डबल स्लैश यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एरर शो कर रहा था, मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद वो एरर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो एरर का मतलब है कि यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ नहीं किया, कोई लाइन यूज़ नहीं किया, तो आप यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को नेक्स्ट लाइन में शो करा देगा। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में तीनों कैरेक्टर वापस से आ गए हैं। उसके बाद भी आपको स्पेस चाहिए है तो आप यहाँ पर डबल स्लैश यूज कर लीजिए, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए भी वो स्पेस अलोकेट करा देगा। यहाँ पे आपको अभी वर्टिकल लाइन प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे यल के पहले आप स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन इस तरह से दे दीजिए और इसे कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन को प्रिंट करा देगा, यानी कॉलम्स को शो कराएगा। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश यच लाइन इस तरह से लिख दीजिए। तो यच लाइन लिखने के बाद फर्स्ट लाइन जो है एबीसी से पहले आपको शो करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, यानी टेबल का बॉर्डर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में एबीसी के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो ये यहाँ पे लिख दीजिए, कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन शो करा देगा ऑटोमेटिकली, जैसे आप चाहते उतने लाइंस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से लिख दिया। ये यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर ऐसा हमने लिखा है तो वो सीरियल नंबर को शो करा देगा। यानी आप टेबल का हीडर लिखना चाहते हैं तो टेबल का हीडर जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे जैसे कि आप नेम लिखना चाहेंगे और यहाँ पे
अगर आप टेबल फॉर्मेट में सीरियल नंबर के बाद 1 देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, कंपाइल करेंगे तो वही वैल्यू वहां पे शो करेगा। उसके बाद यहां पे अगर नेम है तो एक्स वाई जेड इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, कंपाइल करने के बाद ये यहां को शो कराता है। इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेबल को हम अलाइन सेंटर करें तो सेम वैसे ही यहां पे आप फिर से लिख सकते हैं बिगेन, यहां पे लिखेंगे आप सेंटर, इंटर करेंगे और ये जो सेंटर है इसे कट करके यहां पे हम इसे पेस्ट करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अगर आप चेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन सेंटर हो जाएगा। जैसे अगर आप थेसिस राइटिंग कर रहे हैं या बुक राइटिंग कर रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप टेबल वहां पे ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे उस आर्टिकल में टेबल को लिखा गया है इस तरह से आप आपका टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस टेबल में हेडिंग नहीं है तो हेडिंग को किस तरह से लिखा जाता है टेबल में वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा जहां पे हम सेम हर बार लिखते हैं स्लैश बिगेन ओपनिंग कर्ली ब्रास टैबुलर क्लोजिंग कर्ली ब्रास ओपनिंग कर्ली ब्रास LCR क्यों लिखा जाता है ये आप जानते हैं क्योंकि हमें वर्टिकल कॉलम अगर बनाने हैं तो वहां स्टैंडिंग लाइन लिख देते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रास है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्रिएट करते हैं टेबल में और उसके एग्जैक्ट बाद एक कमांड जो है लेटेक में जो हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं स्लैश टेक्स्ट BF बोल्ड फॉन्ट और ओपनिंग कर्ली ब्रास में हेडिंग है आप हेडिंग की जगह आप जो हेडिंग टेबल में देते हैं वो वहां पे लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हेडिंग 1 लिखा है उसके बाद एम्परसेंट है तो दो हेडिंग के बीच में स्पेस देने के लिए एम्परसेंट लिखा हुआ है और सेम वैसे ही टेक्स्ट BF और ओपनिंग कर्ली ब्रास हेडिंग 2 टेक्स्ट BF हेडिंग 3 इस तरह से। और डबल स्लैश मतलब होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश H लाइन लिखा हुआ है और उसके बाद आप आगे के कई सारे रोज क्रिएट कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर के ऊपर एक टेबल दिया गया है टेबल नंबर 3 डेटा सेट और उसके हेडिंग्स यहाँ पे मौजूद है। एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेटेक में जाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे स्लैश बिगेन सेंटर उसके बाद टेबल हेडिंग के लिए टेबल लिखा हुआ था उसके बाद यहाँ पे एंड सेंटर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल का हेडिंग लिखेंगे लेकिन उसके बाद हमें सेम यहाँ पे बिगेन टैबुलर और उसके बाद यहाँ पे LCR लिखना होगा LCR क्योंकि हमें वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी है। और उसके बाद जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी थी टेक्स्ट BF हेडिंग 1 हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 इसमें ही हमें थोड़ा बदलाव करना है। यहाँ पे जो रिसर्च पेपर में दिया गया है तो मॉस्किटो स्पेसिस इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग जो लिखा गया है वहां पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सेकंड हेडिंग जो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड हेडिंग में उसे पेस्ट कर देता हूँ। थर्ड हेडिंग जो है थर्ड हेडिंग को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और थर्ड हेडिंग की जगह हमें उसे पेस्ट करना होगा। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद हम इसे कंपाइल करके चेक करेंगे कि ये प्रॉपर सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो चुका है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर का हेडिंग जो दिया गया है ये हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है लेकिन उसके पहले टेबल जो टाइटल है वो भी हम दे देंगे। टेबल टाइटल के लिए यहाँ पे हमने जो टेबल लिखा था उस वहां पे हम पेस्ट करेंगे और इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये टेबल 3 डेटा सेट ये आ चुका है लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड हेडिंग को हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए हम किस तरह से उसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो सेंटेंस दिए हुए हैं मॉस्किटो स्पेसिस उसके बाद नंबर ऑफ मॉस्किटोज और नंबर ऑफ मॉस्किटोज
ऐसा दिया हुआ है, तो यही लाइन हम स्पेशली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग में खाली मॉस्किटो स्पेसिस रहेगा, उसके बाद नंबर ऑफ मॉस्किटोज, इतना ही हम फर्स्ट लाइन में देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉस्किटोज यहाँ से मैं इतना हटा देता हूँ, और उसके बाद सेकंड लाइन में भी उतना ही हम रखने की कोशिश करेंगे और इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वहाँ पे प्रिंट हो चुका है, लेकिन हमें इसके पहले हॉरिजेंटल लाइन भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम इंटर करने के बाद स्लैश यच लाइन इस तरह से लिख देंगे और फिर से इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल लाइन प्रिंट हुआ नजर आएगा, यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद भी आप यच लाइन को देखें तो यहाँ पे यच लाइन शो हो जाएगा। कंपाइल करें, ये इस तरह से प्रिंट हो चुका है, लेकिन वहां पे आपको कुछ वर्ड्स रिमेनिंग है वो प्रिंट करने हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये वर्ड है तो यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, लेकिन फर्स्ट लाइन में जो सेकंड लाइन में जो है फर्स्ट वर्ड का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, तो उसके लिए हम किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे स्लैश टेक्स्ट बीएफ, उसके बाद फिर से यहां पे एम्परसेंट, उसके बाद स्लैश टेक्स्ट बीएफ और उसके बाद भी यहां पे एम्परसेंट और फिर से स्लैश टेक्स्ट बीएफ, उसके बाद यहां पे डबल स्लैश, और यहां पे जो सेकंड पॉइंट है वहां पे हम उसे पेस्ट करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू शो कर रहा है प्रॉपरली, सेकंड रो में जो लिखा हुआ है जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है। थर्ड वैल्यू जो है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसे और फिर से यहाँ पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जैसे हमने वर्ड फाइल में देखा था सेम एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज आ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने स्लैश यश लाइन लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी वहां पे है। अभी आपको वैल्यूज वहां पे ऐड करने हैं, उसके बाद टेबल की वैल्यूज को जो है फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को हमें वहां पे ऐड करना है सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाकी वैल्यूज सेम है तो यही हम वहां पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उस वैल्यूज को पेस्ट करते हैं, प्रॉपर इसे अलाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एम्परसेंट। अगर आप सेम समझ में आने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे 120 और उसके बाद यहाँ पे एम्परसेंट 600, सेम वैसे ही 120 यहाँ पे एम्परसेंट 600 और उसके बाद यहाँ पे 120 एम्परसेंट 600 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 600 के बाद आप डबल स्लैश, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपको उसे प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पे डबल स्लैश और फिर यहाँ पे डबल स्लैश, उसके बाद यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करानी है तो यहाँ पे भी आप डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, उसके बाद स्लैश यच लाइन, ये कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप टेबल को देखेंगे तो टेबल कंप्लीटली यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, जैसे ही हमने वहां पे देखा था वर्ड फाइल में वैसे ही यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे हम मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है लेटेक में। तो मैथमेटिकल इक्वेशन को स्टार्ट किया जाता है स्लैश बिगेन ओपनिंग कर्ली ब्रास इक्वेशन और क्लोजिंग कर्ली ब्रास, वैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए स्लैश एंड ओपनिंग कर्ली ब्रास इक्वेशन क्लोजिंग कर्ली ब्रास, उसके बीच में आपको इक्वेशन लिखना होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, जैसे ही आप उसे कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आपने लिखा होगा तो इक्वेशन नंबर ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या कुछ और तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप स्क्वेयर x स्क्वेयर लिखेंगे और 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर के लिए ये सिंबल को यूज किया जाता है x और 2 के बीच में,
और प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली हम कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे आपको एक रिसर्च पेपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बी और सी के बीच में एक इक्वेशन को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो सेम यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा होगा लेटेक का, जो हमने इसके पहले किया हुआ है। तो सी और बी के बीच में हम इक्वेशन को लिखेंगे, जो यहाँ पे कंप्लीट बी वाला सेक्शन है और यहाँ पे ये सी वाला सेक्शन है। तो इसके पहले हम उस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ पे इंटर किया स्लैश बिगेन और यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। बस यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद इक्वेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कंपाइल किया है, कंपाइल करने के बाद आपको इक्वेशन यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर और इक्वेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक्स बटन प्रेस करके रखने के बाद आप सिक्स को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर, इसे कंपाइल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इस तरह से दिखाई देगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे और लिखेंगे टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, कंपाइल करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओके, लेकिन यहां पे एक दिक्कत इस तरह से है कि आपको कई सारे मैथमेटिकल सिंबल जानने की जरूरत होती है। पता होना चाहिए कि किस तरह से लेटेक में मैथमेटिकल सिंबल को लिखा जाता है, तो वो सिंबल हम जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल में अगर यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से स्लैश अल्फा लिखा जाता है। अगर आप कॉपीराइट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश कॉपीराइट लिखेंगे तो ये सिंबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर आप डेल्टा लिखना चाहते हैं रिसर्च पेपर में तो स्लैश डेल्टा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेल्टा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप रूट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश एसक्यूआरटी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल आप लिखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो स्लैश इंट लिखना पड़ेगा। इस तरह से कई सारे कमांड्स यहाँ पे लेटेक में हैं जो ऑटोमेटिकली सिंबल को क्रिएट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है उसको ही हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी मैंने एक कमांड का यूज़ किया है स्लैश इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप जब इसे कंपाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंबल को वहाँ पे क्रिएट करा देगा। ये कंपाइल किया है, कंपाइल करने के बाद अगर आप शो करते हैं यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी यहाँ पे सिंबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। और यहाँ से इक्वेशन की रिक्वायरमेंट आपको हो वैसे सिंबल का वैसे सिंबल के लिए आपको कमांड पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सारे सिंबल्स मैं अभी यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। वो देखने के बाद हम रिसर्च पेपर में किस इक्वेशन के साथ किस सिंबल को यूज किया जाता है वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए कई सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, जो यहाँ पे वन बाय वन स्क्रीन हम फ्लैश करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे सारे सिंबल को शो करने वाला हूँ जो आपको ज़रूरी होते हैं किसी इक्वेशन को बनाने के लिए। तो आप जो कमांड है लेटेक के वो लिखेंगे तो सिंबल क्रिएट होगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इन्फिनिटी लिखा था वैसे इन्फिनिटी सिंबल है और यहाँ पे सिंबल है तो यहाँ पे स्लैश ई क्यू लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कई सारे सिंबल्स लिख सकते हैं, जैसे कि अभी इनके अलावा भी कई सारे सिंबल्स है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, इस तरह से ग्रेटर देन, ग्रेटर, और उसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस, स्क्वायर, थीटा, ये कई सारे सिंबल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो इन सिंबल का यूज करके आप मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे रिसर्च पेपर या रिसर्च राइटिंग में आपको जरूरी होगा उन सिंबल को आप यूज कर सकते हैं। के पहले जो हमने इक्वेशन लिखा है वैसे ही कई और इक्वेशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे
जो कई बार आप रिसर्च पेपर में देखते हैं। तो आसानी से लेटेक में ये सारे इक्वेशंस लिखे जाते हैं और इस तरह से कोई आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लेटेक में इसे लिखा जाएगा वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे जो है जो इसके पहले हमने इक्वेशन लिखा था सेम वैसे ही यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लिखेंगे आर ऑफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो लिखा जाएगा ब्रैकेट कुछ इस तरह से होगा। बाद हमें इक्वेशन में लिखना है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जैसे कि कमांड हम यूज करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे इक्वेशन में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश फ्रैक और यहाँ पे आप लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे स्क्वायर के लिए आप बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट 6 स्क्वायर मतलब 2। फिर से वही सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और सेम एज जेड के लिए भी वही होगा 2, और यहाँ पे हम इक्वल साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अभी इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा, तरह से इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे कई सारे इक्वेशंस हम लेटेक में लिख सकते हैं जो आपको रिसर्च पेपर लिखने में सहायता करेगा। करेंगे कलर के बारे में, जो कलर हम यूज करते हैं जनरली रिसर्च पेपर हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया या थेसिस राइटिंग हो गया, वहां पे जहां पे भी आपको कलर का यूज करना है जैसे कि टेक्स्ट कलर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो उसके लिए अगर हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो लेटेक्स में एक्स कलर पैकेज को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज किया जाता है जिसमें कई सारे कलर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो उन सारे कलर्स को हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, पेज का बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर हो गया, तो लेटेक में हमें यूज करना पड़ेगा यूज पैकेज कमांड। और जो यूज पैकेज कमांड जो है हमें एग्जैक्टली क्लास डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट बाद लिखना होता है। यूज पैकेज लिखने के बाद उसमें लिखना होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस कलर और उसमें लगभग लगभग आपको 19 कलर मिल जाएंगे, जो 19 कलर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और वहां पे कलर का नेम जो होता है आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे पैकेजेस है जिसमें DVIPS नेम्स जिसमें लगभग लगभग 68 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स है। उसके बाद अगर आप देखेंगे SVG नेम्स जिसमें लगभग लगभग 151 कलर्स है, X11 जिसमें लगभग लगभग 317 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। इसको आपको जो स्क्रीन पे कमांड दिया है यूज पैकेज और ओपनिंग ब्रैकेट उसके बीच में आपको वो लिखना है, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस एक्स कलर तो आप लिखते ही है, तो इस तरह से उसे कॉल करना होता। यहाँ पे हमने जो दिया हुआ है यूज पैकेज ओपनिंग ब्रैकेट DIVPS नेम्स क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स ओपनिंग कर्ली ब्रेस में एक्स कलर, तो इस तरह से अगर आप वहां पे पैकेज में उसे मेंशन करेंगे तो लगभग लगभग 68 कलर्स आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग की बात करेंगे तो कोडिंग में इस तरह से लिखा जाता है पैकेज को कहाँ मेंशन करना है, तो एग्जैक्टली स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास जो होता है जो आप वेरी बिगिनिंग में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ही डॉक्यूमेंट क्लास को मेंशन करते हैं, एग्जैक्टली उसके बाद ही आप कलर पैकेज को मेंशन करेंगे। उसके बाद बिगेन डॉक्यूमेंट के बाद ही हम टेक्स्ट को लिखते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो उसके बाद कहीं पे भी आप टेक्स्ट कलर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर और ओपनिंग कर्ली ब्रास में कलर का नाम मेंशन किया हुआ है और नेक्स्ट जो ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास है वहां पे एक इजिली वर्ड वहां पे लिखा हुआ है, तो आप जिस वर्ड को कलर करना चाहते हैं तो वो वर्ड वहां पे ओपन कर्ली ब्रेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में होना चाहिए। आप होल डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ में कहीं पे भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कलर बॉक्स और कलर का नेम और वो जो वर्ड है जिसको आप बैकग्राउंड प्रोवाइड करना चाहते हैं उस वर्ड का नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ऑरेंज बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो दैट इज द वर्ड और उसके पीछे बैकग्राउंड जो होगा वो ऑरेंज डिस्प्ले करेगा।
नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमने नो इंडेंट और उसके बाद लिखा है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्लैश कलर, आप कलर का नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्लैश रूल, रूल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्लैश लाइन विड्थ, तो ये लाइन का विड्थ मेंशन करेगा जो भी आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकली किस तरह से यूज होता है वो हम देखेंगे ओरलिप में। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास के बाद आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं स्लैश यूज पैकेज ओपन कर्ली ब्रास एक्स कलर और क्लोजिंग कर्ली ब्रास। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे भी कलर यूज़ करना है, पैराग्राफ हो गया या पर्टिकुलर वर्ड हो गया, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन वर्ड है, यहाँ पे हम कलर देना चाहेंगे इसे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो कलर देना चाहते हैं वो कलर देंगे, तो यहाँ पे हमने दो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन को भी हमने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रेड, जो कलर का नाम है आपको स्मॉल लेटर में ही उसे लिखना है, कैपिटल लेटर लिखेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे रेड कलर में आ चुका है, अगर आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कंपाइल करने के बाद देख सकते हैं उसका कोई इफेक्ट वहां पे नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप फिर से रेड करेंगे तो ये रेड शो कराएगा आफ्टर कंपाइलेशन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरा कलर देंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन, तो वो ग्रीन वहां पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप जो भी कलर यूज पेस कलर में आते हैं तो वो सारे के सारे कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। आप जो भी चाहे वो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पिंक किया तो पिंक कलर वहां पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कलर बॉक्स, और वही हम पिंक कलर रखेंगे और कंपाइल करने के बाद देखेंगे कि उस पर्टिकुलर वर्ड को बैकग्राउंड कलर आ चुका है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर पैराग्राफ को, या जहाँ पे आप देना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पैराग्राफ के बाद या हेडिंग के बाद देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप करना पड़ेगा नो इंडेंट और ओपनिंग कर्ली ब्रास, उसके बीच में लिखना पड़ेगा स्लैश कलर, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके बीच में आपको कलर लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पे स्लैश रूल, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश लाइन भी, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको जो उसका विड्थ है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं 0.5 mm, और यहाँ पे अगर हम कलर का कलर को मेंशन करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन, और यहाँ पे इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होगा तो वो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो करा रहा है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल रेड आप देना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल रेड भी आप दे सकते हैं, जो कि एंड ऑफ द पेज में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंट करेंगे, हर आप राइटिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पे दे सकते हैं, या थीसिस राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी आप ये से दे सकते हैं। इसी तरह हम लेटेक में कलर का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।